और हम यहाँ लगातार हड़ताल कर रहे हैं। आज तक हमारी ये हड़ताल थी, अब इसको चार दिन आगे के लिए हम हड़ताल को और बढ़ा रहे हैं। ये हड़ताल अब 25 तक रही है। अगर सरकार ने हमसे बातचीत करके कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस नहीं लिया और ठेका खत्म नहीं किया, पालिका परिषद देखो की जो मांगे हैं, अग्निशमन की जो मांग है, उस पर सरकार ने बातचीत करके इसका निवारण नहीं किया, तो ये आंदोलन और आगे हम अधिकारी बिल्कुल हमने महानिदेशक से भी बात की है और निगम आयुक्त से भी बात की है, ठेकेदारी की पैरवी करते हुए नजर आए। और आप देखेंगे कि इको ग्रीन कंपनी को ठेका जिसको पूरा उठाने का था वो फेल हो चुकी है, फरीदाबाद में काम बंद हो गया है, भुकावा में भी लगभग काम बंद है, और त्योहार के टाइम पर जनता गंदगी से त्रस्त है। प्रशासन और सरकार इसकी बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि शहर की जनता हमारा सहयोग करे, हमारी न्याय की लड़ाई में साथ दे, और जो सरकार जनता से मूलभूत सुविधाओं को छीनने का प्रयास कर रही है निजीकरण करके, उस पर रोक लगाने का हमारा सहयोग करें। और हम निश्चित तौर पर इस लड़ाई को जब तक लड़ेंगे जब तक इन छटनीग्रस्त कर्मचारियों की नौकरी वापस नहीं होगी।